दोस्तों चीन आए दिन भारत पर अपनी चालें चलता जा रहा है और उसने सीमा से लगी अपने एयरबेस पर J-20 लड़ाकू विमान और H-6 बॉम्बर को भी तैनात कर रखा है, जो यह साफ संदेश दे रहा है कि भविष्य में चीन और भारत के बीच फिर से युद्ध हो सकता है, क्योंकि चीन की नज़र सालों से हमारी ज़मीन पर रही है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि भारत के पास बॉम्बर क्यों नहीं है, जबकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन के पास बॉम्बर है और वह युद्ध में इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? अगर कभी चीन ने भारत पर अपने बॉम्बर से हमला किया तो भारत कैसे उसका जवाब देगा? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि बॉम्बर आखिर होता क्या है, इसका कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्बर या बम वर्षक दो तरह के युद्धक विमान है, पहला स्ट्रेटजिक और दूसरा टैक्टिकल बॉम्बर। बॉम्बर ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिसका इस्तेमाल जमीन और नौसेना के टारगेट को निशाना बनाने के लिए हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। इस बम वर्षक का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपनी थल सेना की मदद के लिए उसके आसपास मौजूद करीबी ठिकानों को निशाना बनाने में होता है। इस तरह के विमानों में राफेल, SU-35 जैसे विमान आते हैं। लेकिन टैक्टिकल बॉम्बर का काम सिर्फ सेना उनके बंकरों और हथियारों को नुकसान पहुंचाने में किया जाता है, जिसके लिए छोटे परमाणु बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे युद्धक विमान होते हैं जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दुश्मन के घर में हमला करके वापस लौट आते हैं। इनका काम सिर्फ कुछ नहीं, बस दूसरे देश पर जाकर परमाणु बम या भारी भरकम बमों को गिराकर तबाही मचाना होता है। लेकिन इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के हिसाब से बनाया गया था। तब युद्ध में कोई भी नियम नहीं हुआ करता था, उस वक्त हम किसी भी तरह के युद्ध लड़ सकते थे। मतलब इस बॉम्बर का इस्तेमाल तब किया जाता है जब तुम्हारी सेना दुश्मन की सेना से युद्ध हार रही हो, तब यह बॉम्बर दुश्मन देश में जाकर वहाँ के नागरिकों को निशाना बनाते थे, क्योंकि लाखों लोगों की जान जाने पर अच्छे से अच्छे देश की सरकार झुक जाती है। लेकिन विश्व युद्ध में इसकी द्वारा मचाई गई तबाही को देख 1977 में जिनेवा कन्वेंशन बना, जिसमें पूरी दुनिया को कहा गया कि अब कभी भी किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो वह देश कभी भी नागरिकों के इलाके में हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ सेना और सेना के बीच तक ही बनी रहेगी। लेकिन यह कन्वेंशन कौन सा देश कितना मानता है वो उसी देश पर निर्भर करता है। अब जानते हैं कि बॉम्बर का इस्तेमाल इस वक्त कौन कौन सी देश करती है। तो इस वक्त सिर्फ तीन ही देश ऐसे हैं जो इन बॉम्बर का इस्तेमाल करती है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन है। अमेरिका और रूस के पास सिर्फ एडवांस बॉम्बर है, जबकि चीन अभी H-20 नाम से एक आधुनिक पीढ़ी का बॉम्बर बना रहा है। अमेरिका के पास B-2 स्प्रिट और B-21 रेडर बॉम्बर विमान है। वहीं रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज उड़ने वाला TU-160 बॉम्बर है। अब बात करते हैं कि भारत बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि भारत ने जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें से भारत ने कभी भी युद्ध की शुरुआत नहीं की। मतलब भारत ने सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा और उसका अंत किया है। और जब भारत किसी भी देश पर हमला नहीं करता तो हमें बॉम्बर विमानों की जरूरत नहीं है, और भारत के पास अपने दुश्मन के बॉम्बर से बचाव के लिए कई एडवांस डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। भारत कभी भी आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए कभी भी भारत को बॉम्बर विमानों की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अब सवाल यह भी उठता है कि भारत को इनकी जरूरत नहीं लेकिन फिर भी इन्हें खरीद कर रख ले तो क्या भारत के पास इनको खरीदने का बजट नहीं है? आपको याद होगा कि गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत ने रूस के 6 TU-160 बॉम्बर को खरीदने की रुचि दिखाई थी, जिनकी कुल कीमत 162 करोड़ की थी। अगर हम इसे खरीद भी लें फिर भी इसके रखरखाव में भारी खर्चा आएगा और हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं है, तो इस पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दुश्मन की सेना से लड़ना है, ना कि दुश्मन देश के नागरिकों से। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका और रूस और चीन इन बॉम्बरों को बना रहे हैं तो क्या वो अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका के दो बॉम्बर B-2 और B-21 ऐसे बॉम्बर हैं जिन्हें कोई रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे में अगर कभी अमेरिका भारत पर हमला करे तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? इस चीज को काउंटर करने के लिए भारत का DRDO घातक UCAV पर काम कर रहा है, जिसकी स्पेसिफिकेशन यानी खासियतों के बारे में, जैसे रेंज, पेलोड ले जाने की क्षमता का अभी DRDO ने खुलासा नहीं किया है। उन्होंने बस इतना बताया है कि घातक एक AI बेस्ड ड्रोन होगा
इसमें अपनी पहली उड़ान 1 जुलाई 2022 को भरी थी, जिसमें यह सफल रहा था। इसके साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति देश है। ऐसे में अगर हमारा दुश्मन भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो भारत उस पर परमाणु हमला कर कई गुना नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि भारत बॉम्बर विमान को ना ही बनाता है और ना ही उसका इस्तेमाल करता है, लेकिन वक्त वक्त पर भारत इसको खरीदने की रुचि दिखाता है। इसका मतलब है कि भारत को कहीं ना कहीं एक बॉम्बर विमान की जरूरत महसूस होती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे बॉम्बर की जरूरत है जो दुश्मन के घर में जाकर बम वर्षा करके वापस लौट आए? क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।